जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव का पहला बड़ा इम्तिहान, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगी घाटी की जनता। जी हां, सबको बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद यानी कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर एक दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आगामी चुनाव 90 सीट के लिए 3 चरणों में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले 2014 के बाद से पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी। 2022 में निर्वाचन क्षेत्र के रीशेड्यूलिंग के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। वहीं अगर कश्मीर घाटी में 47 और जम्मू में 43 सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब 87 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 65.52% मतदान दर्ज किए गए थे। वहीं अगर 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो 65.52% मतदान दर्ज किए गए थे। वहीं अगर पीडीपी की बात कर ले तो पीडीपी ने 28 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को 12 सीट मिली। वहीं 7 सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलियों के पास गई थी। 87 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार 2014 से अब तक क्या बदला है जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालत 2019 में धारा 370 हटने के बाद से नाटकीय रूप से बदल गया, जिससे इसे विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2022 में परिसीमन के तहत विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 कर दी गई, जिसमें जम्मू के सांबा, राजौरी और कठुआ जिलों में नए निर्वाचन क्षेत्र जोड़े गए और कश्मीर में कुपवाड़ा को एक अतिरिक्त सीट मिली। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीट पहले 1957, 1966, 1975 और 1995 में परिसीमन से गुजर चुकी थी और आखिरी प्रक्रिया 1981 की जनगणना पर आधारित थी। जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पंडित परिसीमन परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं के मूड पर करीब से नजर रख रहे हैं। इसके परिणाम तय करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर के भविष्य का शासन कैसा होगा। एक दशक के राजनीतिक बदलाव के बाद जम्मू और कश्मीर आखिरकार अपनी विधानसभा का चुनाव करेगा। नतीजों से पता चलेगा कि यहां के लोग अपनी नई सरकार का नई शासन संरचना और उसमें अपनी जगह को कैसे देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हिंदी खबर।